अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारे साथ एक क्वेश्चन है, यानी ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग रेडिकल इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी ये हमारे साथ रेडिकल फॉर्म में है और अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 36 हमने अपनी जगह पे लिखा और अंडर रूट वैल्यू हमारे साथ 1/2 है, तो हमने 1/2 यहाँ पर पुट किया। अब हमारे साथ अंडर रूट 1000 है, तो हम 1000 अपनी जगह पे लिखते हैं और अंडर रूट वैल्यू हमारे साथ 1/2 है। अब यहाँ पे इंडेक्स में हमारे साथ 3 गिवन है, तो हम ये 8 अपनी जगह पे लिखते हैं और अंडर रूट वैल्यू यानी ये इंडेक्स हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी 1/3 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑलरेडी हमारे साथ मौजूद है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 1/3 लिखा। अब अंडर रूट यानी इंडेक्स में हमारे साथ n है और अंडर रूट में हमारे साथ q है, तो q अपनी जगह पे पुट करते हैं और इंडेक्स हम इस तरह लिखते हैं, यानी 1/n, तो ये हमारे साथ एक्सपोनेंट हो गया। अब 5-6 ए स्क्वायर होल 3 अपनी जगह पे और अंडर रूट वैल्यू हमारे साथ 1/2 है, तो हम 1/2 लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, यानी इंडेक्स नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे 1/2 लिखते हैं। अब 3 मल्टीप्लाई यानी 5-6 ए स्क्वायर और 3 मल्टीप्लाई 1 यानी 3/2, ये हमारे साथ एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये 3 माइनस अंडर रूट 64 है, तो हम इस तरह लिखते हैं, -64 अपनी जगह पे और यहाँ पे इंडेक्स गिवन है, तो हम यानी 1/3 पुट करते हैं, तो ये हमारे साथ सॉल्यूशन सेट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।